हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। यादों के सफर के इस विशेष एपिसोड में आज मैं सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो और रंगमंच की जानी मानी एक बड़ी हस्ती से जुड़ी यादों को अपने कलेक्शन से यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। इनका नाम है तबस्सुम। दोस्तों, सन 1952 की सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा की हीरोइन मीना कुमारी के बचपन का किरदार निभाने वाली उस चुलबुली बेबी तबस्सुम को पुराने सिने प्रेमी भूले नहीं होंगे, जो सिनेमा, टीवी, रेडियो और रंगमंच पर पिछले कई दशकों से छाई हुई हैं। तबस्सुम से मेरी पहली मुलाकात मुंबई के पास अलीबाग की आरसीएफ कुरल कॉलोनी में 1992 में हुई थी, जब हमने वहां उस समय उनका पॉपुलर शो तबस्सुम हिट परेड का आयोजन किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, कार्यक्रम के दौरान जब मुझे माइक पर दो शब्द बोलने का मौका दिया गया था, तब मैंने उनके स्वागत में चंद लाइनें कही थी। बागों की फिजाओं में शान आ गई है ए बहार तेरे आने से। जी हाँ, बागों की फिजाओं में शान आ गई है ए बहार तेरे आने से, और बागों के सरताज अलीबाग की महफिल में जान आ गई है ए तबस्सुम तेरे आने से। और उसके बाद तो मुझे तबस्सुम जी से कई बार मिलने का सौभाग्य रहा। आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि तबस्सुम ने कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए हैं और सबसे ज़्यादा वे जानी जाती हैं टेलीविज़न के एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जो 1972 से 1993 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। जिस तबस्सुम ने हज़ारों सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए हैं, सौभाग्य से उनके कुछ इंटरव्यू लेने का मौका भी खुद मुझे मिला। तबस्सुम का पहला इंटरव्यू मैंने उनके बांद्रा मुंबई स्थित घर में 1993 में लिया था। आइए, मैं इनका जो पहला इंटरव्यू लिया था उसका एक अंश यहाँ शेयर करना चाहूँगा। लाइन्स इंटरनेशनल और आरसीएफ के सारे दर्शकों की ओर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अपनी ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज तक आपने फिल्मी आकाश के छोटे से लेकर बड़े तक जाने कितने सितारों के इंटरव्यू ली होंगे, तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो इस इंटरव्यू के बाबत ही मैं पहला सवाल पूछूंगा और वो ये है कि आज तक आपने अंदाज से कुल कितने लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे और किस शख्सियत ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत नमस्कार, आदाब और बच्चों को ढेर सारी दुआएं और लाखों हजारों प्यार। आपका सवाल यह है कि मैंने अभी तक कितने इंटरव्यूज लिए हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसका अंदाजा आप लोग खुद ही लगा लें, क्योंकि पिछले 21 सालों से दूरदर्शन के फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में जो मुझे देख रहे हैं उन्हें अंदाजा है कि ये प्रोग्राम 10-12 साल तक वीकली प्रोग्राम था, उसके बाद फोर्टनाइटली हो गया। और मेरा ख्याल है कम से कम मैंने 1500 से 2000 इंटरव्यू लिए हैं इन 21 सालों में, और अगर हम टेलीविजन के साथ साथ रेडियो को और स्टेज को भी जोड़ लें तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लिए हैं। इसी सवाल से जुड़ा हुआ आपका दूसरा सवाल ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया। तो भाई और बहनों, ये तो आप जानते ही हैं कि 20 सालों में मैंने इंटरव्यू लिए हैं, उससे पहले इंटरव्यू देती थी तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि इंटरव्यू देने से ज्यादा इंटरव्यू लेना मुश्किल है। आपने कॉलर अप नहीं किया? इंटरव्यू लेना इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें सामने वाले की पर्सनालिटी को उजागर करना पड़ता है, और सामने वाला अगर बोलने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अच्छा बोलता है, तो जाहिर है कि इंटरव्यू लेने वाले को अपनी जबान को ज्यादा कष्ट नहीं देना पड़ता। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित उसी कलाकार ने किया जिसने मुझे बहुत कम बोलने का मौका दिया और खुद भरपूर बोला,
क्योंकि ज्यादातर मुझ पर 20 सालों में यही चार्ज लोगों ने लगाया है कि खुद ज्यादा बोलती है, सामने वाले को बोलने नहीं देती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरी मजबूरी थी, मुझे ज्यादा बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, मजबूरी में ज्यादा बोलती थी। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपका सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में दूं तो आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो जब मुझे जो कलाकार मिलते थे अगर वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दें तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। जो बहुत अच्छा बोले हैं, धूलधार बोले हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। लोगों में से किन्हीं का नाम आप गिरा सकती हैं, बता सकती हैं? अब 2000 लोगों में से नाम गिराना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी नरगिस जी, शम्मी कपूर, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी, नूतन जी, तनुजा जी, जगदीप, मैंने देखा है कॉमेडियंस बहुत अच्छे रहे। शत्रुघ्न सिन्हा। दूसरा सवाल इसी इंटरव्यू के बाबत, जब कभी आप किसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने जाती हैं तो इंटरव्यू के पहले सवालों की रूपरेखा आपको बता देती है या बस इंटरव्यू में छूटते से ही सवाल दागना चालू कर देती है? ये काम दागने का आपने शुरू किया है, आपने हमें बगैर बताए हुए दागने शुरू कर दिए सवालात। लेकिन हमने तो जब जब जिस जिसका इंटरव्यू लिया है उससे पहले एक डिस्कशन रखी है, उससे पूछा है, उसे बताया है, सवाल लिखे हैं, और उसके बाद ये कहा गया है कि इनमें से जो सवाल आपको पसंद नहीं आते वो आप कटवा दीजिए और जो अच्छे लगते हैं वो रख लीजिए, या अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करवाना चाहे तो हमें बताइए, हम अपने अंदाज में पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरवसन जी। अगला सवाल मैं रंगमंच, टीवी और फिल्म की दुनिया के बारे में पूछता हूँ। इन तीनों क्षेत्र में आपने भरपूर कामयाबी हासिल की, शोवर्ल्ड का कोई भी क्षेत्र आपने छोड़ा, चाहे वो देश की दुनिया हो, रंगमंच का क्षेत्र हो, टीवी हो या फिल्म हो या रेडियो। जी हाँ, रेडियो। और मुझे याद आता है रजी बावरा की वो नन्ही सी बेबी तबस्सुम और उसके बाद तबस्सुम बिकरे की वो परिपक्व तबस्सुम, मैंने आपके कई कार्यक्रम देखे और आपके प्रशंसक देश विदेश में लाखों की तादाद में होंगे, तो आपकी इस कामयाबी का रहस्य क्या है, इधर हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो उसमें उसका कमाल नहीं होता, उन लोगों का कमाल है जो उसे पसंद करते हैं। उन आंखों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे अच्छा देखा, उन दिमागों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी बातों को अच्छी तरह समझा, और उन दिलों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके दिल में, जिन दिलों में मेरे लिए मोहब्बत है। लेकिन सिर्फ मोहब्बत से भी काम नहीं चलता, इसमें मेरी अपनी कोशिश भी रही है। इंदिरा जी जो कि बहुत ही मशहूर कवि हैं, उनकी एक बात मैंने हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखी जो मुझे जिंदगी में एक राह मशाल दिखाती रही, और वो ये था कि तबस्सुम अगर किसी ऊंचे मकाम पे कोई पहुंचता है तो इतना कमाल नहीं, अगर उस ऊंचे मकाम पे वो टिका रहता है तो ज्यादा कमाल है। और टिकने का राज उन्होंने मुझे ये बताया था कि जमाने में जो काम दूसरे करते हैं उससे ज्यादा अच्छा काम करो, वक्त पे पहुंचो, और जितना पैसा लेके दूसरे काम करते हैं उससे कम पैसे में आप काम करिए। मैं आज भी जब भी मेरी कोई रिकॉर्डिंग होती है तो मैं ये समझती हूँ कि आज पहली बार मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और मेरी तरफ से किसी को शिकायत ना हो। इसके बाद लायंस क्लब इंटरनेशनल के कई समारोहों में तबस्सुम से बातें करने का सौभाग्य रहा। इनमें से सबसे यादगार मुलाकात सन 2002 में मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में हुई थी, जब मुझे लायंस पुरस्कार समारोह के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हॉल के गेट के पास ही तबस्सुम का स्वागत करते हुए मेरी उनसे जो बातें हुई उसकी एक झलक यहाँ पेश करना चाहूँगा। तबस्सुम जी, इस समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं, हम और बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इस समारोह के बारे में, लायन एक्टिविटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई, मेरे ख्याल से तो लायंस क्लब जो काम कर रहा है, सारी दुनिया के बंदों को मिलके जो कार्य करना चाहिए था वो सिर्फ शेर अकेले कर रहे हैं, और करें क्यों नहीं, लायन जो है। मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ भी चैरिटी के कामों के लिए मैंने साथ दिया है, सबसे ज़्यादा मेरा साथ लायंस क्लब के साथ ही रहा है, और लायंस क्लब ऑफ चिंबूर तो खैर बहुत ही लाडला है हमारा। और कुछ आपने उधर परिंदों वाला शेर कहा था? परिंदों वाला शेर तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि हमारे देश को आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एकता की। इंसान भूल गए कि वो इंसान है, हैवान बन रहे हैं,
या फिर हिंदू या मुसलमान बन रहे हैं, जब के भगवान ने ये कहा ही नहीं कि मैंने हिंदू पैदा किया है या मुसलमान, इंसान पैदा किया है। तो इसी पे वो शेर मैं सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक शेर और। क्या है शेर हिमाली वो? ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मिट्टी में मिलने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरी तीन पीढ़ियों में नेशनल इंटीग्रेशन चला आ रहा है। मेरे पिताजी हिंदू थे, मम्मी मुसलमान पठान थी, मेरी शादी अग्रवाल परिवार में हुई, मैं किरण वाला गोविल हूँ और अरुण गोविल जो रामायण के राम है, वो असल में हमारे परिवार में लक्ष्मण है, मेरा सगा छोटा देवर है वो, और मेरी बहू गुजराती अनावल ब्राह्मण है। और हमें ऐसा लगता है कि बस हम बिल्कुल एक जान हैं, ना खान पान बीच में आता है, ना मजहब बीच में आता तो है। तो तू मैं बिल्कुल नहीं होती, बल्कि बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी है कि दुनिया की बेहतरीन 10,000 बेटियों को जब निचोड़ो तो उनका जो रस निकले तो उससे जो लड़की बने वो है ही। इस समारोह में शो जगत के कई फिल्म मेकर्स और कलाकारों ने शिरकत की थी। स्टेज पर विराजमान इन लोगों के नाम इस चित्र में दिखाए क्रम से बताना चाहूँगा। सबसे बाएं गायक उदित नारायण बैठे हैं, उनके पास गायक और राजनेता बाबुल सुप्रियो, अभिनेता प्रेम चोपड़ा, मॉडल शमिता सिंघा, उनके पास बैठी हैं तबस्सुम, फिर निर्माता अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, निर्माता निर्देशक रामानंद सागर, समारोह अध्यक्ष मैं स्वयं उमेश मालवीय, लायन अशोक मेहता, अभिनेत्री अमीषा पटेल, बाल कलाकार उत्कर्ष शर्मा, फिल्म जर्नलिस्ट चैतन्य पादुगोन, अभिनेता गायक और एंकर अन्नू कपूर, अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी और सबसे दाईं तरफ संगीतकार उत्तम सिंह। इस समारोह में वर्ल्ड वाइड लायंस इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट लायन अशोक मेहता जी के आने से तो समारोह में चार चांद लग गए थे। समारोह का कुशल संचालन मेरे अभिन्न मित्र सागर सयानी जी ने किया था, जिन्होंने अमीन सयानी की जादुई आवाज की विरासत को आगे ले जाने के लिए ठान रखा है। इसकी कुछ झलकियां यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। अब बारी है, हाँ, जिसके लिए मैंने जिक्र किया था दादा भाइयों, अमीन सयानी साहब की छोटी बहन, और कभी कभी मैं जब रेडियो सुनता था तो कहते थे भाई मोटी हो गई है, ऐसा कहते थे। पता नहीं आज उनकी सेहत कैसी है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप अगर अमीन सयानी साहब की छोटी बहन है तो मेरी बड़ी बहन होगी ना। हाँ हाँ, तो जरा तबस्सुम जी आपका जो नाम रखा गया है, तबस्सुम जी आपकी खूबी ने सचमुच सही नाम रखा है, और आपकी बजाय कुछ कह देंगे आप? मैं क्या कहूँ, अरे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे 54 साल हो गए हैं हो गई है, और आज जिस दौर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री डगमगा रही थी, मैं बुजुर्गों से पब्लिक के सामने ये कहना चाहती थी कि इस डगमगाती हुई फिल्म इंडस्ट्री को जो टेका किया है, जो सहारा किया है, वो है हमारे नितिन देवी साहब की फिल्म वदन। वदन की कामयाबी ने संभाला है हमें, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि रेडियो में भी 54 साल हो गए हैं। इसलिए शनमुखानंद भवन में पूरी जवानी बीत गई थी। हाँ, ये 54 साल में 4 गोल्डन जुबलियां हो गई हैं, और टेलीविजन के 35 साल हो गए हैं, 35 ईयर्स ऑन टेलीविजन। मैं बताना चाहती हूँ कि आप ये ना समझिएगा कि 2-2.5 साल की मैं हो गई हूँ, उम्र बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बुद्धि हो गई हूँ। मैंने ये सारे काम 1946 में शुरू किए थे, जब मैं सिर्फ 2.5-3 साल की।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में मैं सिर्फ एक ही सबक सीखा जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि चाहे शोहरत की हो या दौलत की हो या कोई भी बुलंदी हो, बुलंदी पे अगर आप पहुंच जाए तो एक चीज का ख्याल रखें कि गुरूर और घमंड कभी ना करें। इसके कुछ महीनों बाद चेंबूर मुंबई के फाइन आर्ट सोसाइटी हॉल में माहौल लाइंस के कार्यक्रम में हमने तबस्सुम जी को विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया था। तबस्सुम से बातें करते हुए इस कार्यक्रम का संचालन भी सागर सयानी जी ने अपनी सम्मोहक आवाज़ से किया था। तबस्सुम का जन्म 9 जुलाई 1944 को मुंबई में हुआ था। जब उनकी उम्र महज 3 थी तब से ही इन्होंने बेबी तबस्सुम के नाम से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कर दी थी। स्वभाव से अत्यंत ही जिंदा दिल और सदाबहार तबस्सुम आज भी उतनी ही हसमुख और हाजिर जवाब हैं जितनी वे हमेशा छोटे व बड़े पर्दे पर, रेडियो पर और रंगमंच पर अपने बचपन से नज़र आती रही हैं। आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस युग की वेब सीरीज में इनका एक बहुत ही पॉपुलर शो तबस्सुम टॉकीज को दर्शक बहुत ही पसंद करते हैं। हम सब तबस्सुम जी की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यादों का सफर के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं कई बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूं, जिसे हजारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है और हमें आप सबके उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते ही जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी अपनी इस UCMB चैनल पर और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण प्रस्तुत करता रहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शंस के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर क्रिएशंस को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।